डायमंड सिर्फ पार्टिकल कुछ चीज़ नहीं है, आप उसकी किसी चीज़ के साथ चिपकाओ आप यूटिलाइज कर सको, वो इम्पोर्टेंट है। जो ओरिजिनल डायमंड के बर आते हैं ना, पूरा का पूरा शेक उसका डायमंड का बना होता है, वो बहुत महंगा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा चले जी, कौन सा टूथ करना है? सिक्स करें। अच्छा इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेज है, कोई जो है क्लोजर सरफेस पहले करता है फिर एक्सियल सरफेसेस करता है, कोई एक्सियल सरफेसेस पहले करता है फिर वो करता है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। बुक में देखा होगा कि पहले क्लोजर करते हैं बकल, लेकिन आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो इंटरनेशनली वो पब्लिश होते हैं उसमें फिर उल्टा तरीका है, ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको फैसिलिटेट करता है, जो आपके लिए आसानी हो वो आप करें, ठीक है। दिखाओ का सबसे पहले क्या बनाते हैं? अच्छा इसमें आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मैं जो कस्प का जो एंगल बना रहा हूँ ना, बर्फ का एंगल कस्प के साथ, ये चीज़ आपने मेंटेन करनी है। इसको ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं लगाना, ठीक है। वो बिल्कुल बॉक्स की तरह बिल्कुल फ्लैट शेप उसका नहीं बनाना है, आपने इसकी एनाटॉमी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इसके 45 एंगल के साथ, या क्रूजल टेबल है ना इसके साथ आपने 45 का एंगल बनाना है, इसके साथ आपने करना है, ठीक है। पहले अपने इसमें पानी भी आ रहा है, पानी बंद करो इसका। जी जी करो सर। जब हम फॉर एग्जांपल एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टू से ना आ रहा बस, ठीक है अभी आ रहा जी सर। जैसे एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टू है तो जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की एनाटॉमी वाजे मिले ना किस तरह से। जब आप एंडोडोंटिकली टूथ को ट्रीट कर रहे हो ना तो उसकी बिल्डअप आपने टूथ शेप नहीं करनी होती है, लेकिन वो इतनी एग्जैक्ट तो नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने उसकी कस्प तो बनाना होता है ना, उसके ग्रूव्स तो बनाने होते हैं, ठीक है। वो क्यों? ताकि आप ये माइंड में रखो कि एक पूरा टूथ आपके सामने, आप उसी हिसाब से उसकी रिडक्शन करो, ठीक है। ये चीज़ें आप क्लिनिक में ज़रा थोड़ी इम्पॉसिबल होती है, जब आप क्लिनिक में काम कर रहे होते हो टाइम लगता है उस पर, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि उसमें भी आप बनाएंगे तो आपको टूथ रिडक्शन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि मैंने कितना रिड्यूस किया हुआ है। इसमें आपने जो ग्रूव बने ना नैथमेटिकल पर सर उसको रिमूव कर दो, इसको कर जिसमें आपके बर्फ की डेप्थ है ना पूरी आपने इसमें चिप करना है, ठीक है। डिप हो गया, ठीक है। जब ग्रूव्स बनाने के भी हर किसी के अपने अप्रोचेज होते हैं, तो क्या करता है कि ये जो सेंट्रल ग्रूव होता है ना इसको पहले एक कट कर लेते हैं, फिर जो है कस्पल ग्रूव बनाते हैं, ठीक है। कोई पहले कस्पल ग्रूव बनाता है फिर सेंट्रल ग्रूव बनाता है, तो ये आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगे वो करें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। ग्रुप बना
बनाने के बाद आपने पहले वो ग्रुप को इसके दरम्यान में जो आइलैंड्स बने होते हैं ना इसको आपने लेवल करना, इसमें आपने इम्पोर्टेंट ये है कि आपने हैंड पीस के एंगल को मेंटेन करना है, ठीक है। ये सर फोटो पे रखना है। हाँ जो बॉल एंड बड़े उसी से करते हैं। हाँ वो आप ग्रुप बनाने के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। आप बॉल एंडेड जो है उसके भी डायमीटर अगर आपको नॉन है कि उसके डायमीटर कितना है, अच्छा आप उसके साथ ग्रुप बना लो, फिर फिशर के साथ उसकी कटिंग करो, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। पर वो जो वीर के हम जो वीर से बड़े उसके जो डेप्थ कटिंग करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यार? वो अप्लाई करना ज़रा मुश्किल है। अच्छा अच्छा यहाँ मुश्किल हो जाएगा कैसे उसमें? हाँ ग्रुप में उसको कैसे आप एंगेज करोगे? मतलब वो वीनियर के लिए ज़्यादातर वीनियर के लिए यूज होता है, ठीक है सही से। अच्छा इसमें आपने जो बर्थ के जो चलाने का तरीका है ना वो ब्रशिंग मूवमेंट्स करनी है, कंटिन्यूस आपने टूथ के साथ इसको कांटेक्ट में करके ना चलाना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, उससे एक वो तो बर्फ बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है और हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। इतनी कटिंग करने के बाद इसको स्टॉप करें, थोड़ी सी जो इसके वो जो डेप्थ ग्रुप्स के जो मार्क्स रह गए ना इसको बाद में जब आप फिनिशिंग करेंगे अच्छा उसमें हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब ये पेशेंट के मुंह में आप इस तरह हाथ नहीं ले जा सकते, आपने फिर हैंड पीस के इसको डायरेक्शन को चेंज करें, ठीक है। इसी अच्छा। तरह फिर पहले ग्रुप बनाए, नॉन फंक्शनल कस्प पे मैंने डेप्थ थोड़ी कम रखी, आप लोगों ने गौर किया, ठीक है। नॉन फंक्शनल कस्प पे मैंने डेप्थ कम रखी थी और फंक्शनल कस्प पे डेप्थ मैंने ज़्यादा रखी, ठीक है। वो आप बता रहे थे ना कि नॉन फंक्शनल पे जो है आपकी 0.5 से 0.7 या 0.1 mm तक आप उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये आप देखें कस्प जो है वो कैसे एक शार्प बन गए, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, राउंड राउंड करना है उसको, काउंटर बेवल करना है, ठीक है। इसी तरह आपने 45 का एंगल बना के इसके जो कस्प है ना इसको आपने बेवल करना, ये भी उसी 45 एंगल बना। फिर इसके अपोजिट जाके ठीक है, इसके बाद जो है आपने एक्सेल एक्सेल रेडिक्रेशन करेंगे दोबारा, ये ठीक है। जब हम प्रॉक्सिमल स्टार्ट करेंगे तो फिर हम 11 की तरफ से, ठीक है। अब ये देखें इसमें आपने टूथ का जिस तरह इसकी इंक्लिनेशन है उसी इंक्लिनेशन के पैरेलल आपने जाना है, क्योंकि आपके एक्सियल सरफेसेस जो है वो क्या होने चाहिए, ऑलमोस्ट या नियरली पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको फिर क्या दे सके,
रेजिस्टेंस और रिटेंशन आपके क्राउन को दे सकें, क्योंकि आप क्राउन में जब सीमेंट यूज़ करते हैं वो तो सेकेंडरी रिटेंशन देता है, ठीक है। जब आप क्राउन बन के आता है ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी रिटेंशन है या नहीं है, रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें देखनी होती है, सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट पॉइंट देखने हैं प्रॉक्सिमल सरफेसेस के साथ, फिर आपने मार्जिन्स देखने हैं, मार्जिन्स की इंटेग्रिटी है या नहीं है, फिर आपने जो है क्या देखना है, रिटेंशन और स्टेबिलिटी देखनी होती है, फिर आपने ऑक्लूजन चेक करना होता है, ठीक है। तो ये जो नियर पैरेललिज्म है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको रिटेंशन और रेजिस्टेंस नॉन दे सके, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने क्लिनिक में सुना होगा पेशेंट क्रम लगाते हैं, एक दो महीने के बाद आते हैं कि क्रम उकड़ गया, ठीक है। वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा टेपर बन जाते हैं उसके। मैं मार्जिन जो हूँ वो इक्वे जिंजावल बना रहा हूँ, अच्छा इक्वे जिंजावल मार्जिन बना रहा हूँ, ना सुपरा जिंजावल है ना सब जिंजावल है, इक्वे जिंजावल बना रहा हूँ, ठीक है। मार्जिन तीन टाइप्स के होते हैं, इक्वे जिंजावल, सुपरा एवं सब जिंजावल। सर लेकिन अक्सर प्रेप में जो पोस्टीरियर टिप के वो सुपरा जिंजावल बनाते हैं और जो इंटीरियर के वो मतलब सब जिंजावल। आइडियली कौन सा बनाना चाहिए? सुपरा जिंजावल। सुपरा जिंजावल नहीं, आइडियली आप क्यों सब जिंजावल बनाना चाह रही है? सर बुक में था ना कि ताकि वो प्रॉपर एक हाईली एस्थेटिक लुक आता है उससे। इसी पर्पस के रेफरेंस से बोला होगा ना, आपको एस्थेटिक चाहिए या आपको रिटेंशन या रेजिस्टेंस चाहिए? एस्थेटिक जब आपको चाहिए तो फिर आप सब जिंजावल जाए, ठीक है। अगर आप जी लेंथ अगर ज़्यादा होगी रिटेंशन भी तो बढ़ेगा, पर इधर सर का आपको इतनी ज़्यादा लेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है? अगर आपको देखे स्टैंडर्ड लेंथ आपको अगर मिल रही है ना 4 to 5 mm, ठीक है, इससे आप बियॉन्ड जाएंगे ना, उससे क्या होगा कि आप बोन रिजॉर्प्शन करवा रहे हैं ना, रूट को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। जब आपका क्राउन की हाइट ज़्यादा होगी और रूट की हाइट कम होगी तो क्या होगा, लेवरेज फोर्सेज बढ़ेंगी, ठीक है। रूट पे फोर्सेज ज़्यादा आएंगी तो वो इन टर्न क्या करेगा, आपके बोन लॉस करेगा और जिंजिवाइटिस वगैरह की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेंथ जो है वो लेवरेज फोर्सेस कॉज करता है, ठीक है। वैसे आइडियली हम देखें अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रिटेंशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है, लेवरेज फोर्सेज, लेवरेज फोर्सेज आपके रूट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 4 to 5 mm जो है वो सफिशेंट होता है, सही है। एक पर्पज़ तो आपने बता दी कि एस्थेटिक अगर आपको चाहिए तो सब जिंजिवाइटिस जाए, पेशेंट को सेंसिटिविटी है किसी चीज़ से नहीं ठीक हो रही है, सब जिंजावल जाए, पेशेंट को जो है जिंजावल या सब जिंजावल केरीज है, ठीक है। आपने प्रेप भी करनी है, सब जिंजावल जाए, केरीज को भी उसमें अकोमोडेट कर, ठीक है। ये पर्पस को देख के आप फिर आप कहेंगे कि आपने सुपरा जिंजावल बनाना चाहिए या तो कंडीशनर होता है। वैसे जहाँ मैंने पढ़ा था, जब हमें पढ़ाया था तो उन्होंने कहा था आइडियली सब देते हैं, पर सब जिंजावल को जो है ना मेंटेनेंस और उसके क्या नाम है डिसएडवांटेजेस की वजह से तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं सुपरा को, कि वो इजीली क्लीन भी हो जाता है और वो दो चार उसकी चीज़ें थी। अच्छा, अगर हम कोई चीज़ आइडियलाइज करते हैं ना कि ये आइडियल होना चाहिए, इसका मतलब है उसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे ना, तभी तो हम इसको आइडियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम इसको प्रॉपर्टीज़ को या इसके एडवांटेजेस को कंपेयर करें सुपरा जिंजावल और सब जिंजावल, तो फिर आप बता सकती हैं कि कौन सा आइडियल होना चाहिए? सुपरा, ठीक है ना। तो अगर आपने जहाँ पढ़ा हो सकता है तो सही पढ़ाओ, मुझे एक दफ़ा दिखा दें ताकि मेरी भी कन्फर्मेशन हो जाएगी, मेरी गलती ठीक हो जाएगी, ठीक है। Thank you.
90 डिग्री होना चाहिए। ये तो सर टू प्लेन में होना चाहिए सर, मतलब जो बकल सरफेस है ये इंटीरियर में आप मैक्सिलरी के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा सर, मैक्सिलरी का जो बकल सरफेस और पैलेटल है ना वो टू प्लेन में है। जो मैंडिबुलर है ना, मैंडिबुलर टीथ जो है वो ऐसे इंक्लाइंड होते हैं लिंगुअली, ठीक है, तो उसका जो प्लेन है ना वो स्ट्रेट बन जाता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट में ही आपने बनाना है। अगर आप मैक्सिलरी मोलर बनाओगे तो टू प्लेन बनाओ, लेकिन वो भी आप देखो कि पेशेंट का वाकई टू प्लेन है या नहीं, हर किसी का नहीं होता, ठीक है। आपको टाइपोडेंट में किसी किसी में मिल जाएंगे या किसी में नहीं मिलते, सही है। तो ये कुछ थ्योरी की बातें हैं वो अप्लीकेबल नहीं होती है, बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। हाँ, आप हर चीज़ को आप देखने बैठ जाओ ना कि टू प्लेट बनाओ, कस्प कैसे करो, आप यकीन करो मैंने किए मैं 2 से 2.5 घंटे कहीं नहीं जाते। उसके लिए फिर आपको ऐसे अच्छा एक्सेस भी होना चाहिए, लूप्स होने चाहिए, अच्छा लाइट होना चाहिए, सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बर्स बहुत अच्छी चाहिए, पेशेंट को फ्रेश होने चाहिए, ये सारे फैक्टर हैं। ये मीट करना बहुत मुश्किल काम, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। और फिर पेशेंट ऊपर से कहे कि 2000 में आप काम बना रहे हैं, कहें हाँ इतनी हम पारी कर रहे हैं 2000 भी ना दे वो। आप लोग मार्जिन को अप्रिशिएट कर सकते हैं, मार्जिन नजर आ रहे हैं? जी जी सर, मार्जिन बन रहे हैं ना? जी जी बन रहे हैं। इसमें लेकिन थोड़ा अभी अभी तक तो सुपरा जिंजा वाले, ये सुपरा जिंजा वाले, इसको थोड़ा सा और मैं जिंजा करूँगा। ठीक है, सबको दिखाओ सर, अप्रिशिएट करो, क्योंकि ये मार्जिन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत लाजमी है। अक्सर क्या होता है कि प्राइवेट क्लिनिक्स में मार्जिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे है इस तरफ नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा इसका अंदाज़ा है कि मार्जिन होता क्या है, ठीक है। मैं अपने हाथ से मॉडल पोर करके उसके मार्क लगाता हूँ, ये मार्जिन है, आपने यहाँ तक उसके क्राउड की जो फिनिशिंग लाइन है यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यकीन करें मेरे मार्जिन को उड़ा देते हैं और टिच बना लेते हैं, जैसे कि वो जो मेरे सारे क्वारी जो है वो ज़ाय कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, उसको जरा क्लियर कर देता हूँ, फिर आप लोग देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन है, अब ऊपर से देखिए, क्लोजर सरफेस से देखिए, आपको मार्जिन नजर आ रहा है? ये आपने मार्जिन बनाना ही ऐसे, और एक्सियल सरफेस की कटिंग ऐसी करनी कि आप जब आप क्लोजर सरफेस से देखें तो आपको मार्जिन नजर आना चाहिए। अगर मार्जिन नजर नहीं आ रहा है और आपने बनाया है, इसका मतलब आपके एक्सियल सरफेस में क्या है, अंडरकट, पैरेललिज्म उसमें नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको देखना है, जब आप इंप्रेशन लेते हैं तो इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऊपर से जब वो क्राउन बनाते हैं तो उसको उनको ब्लॉक आउट करना पड़ता है, और फिर वो क्या कहते हैं उसको, ओवरहैंग बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखते रहना। अभी हम लिंगुअल की तरफ आएंगे, लिंगुअल में भी आपने इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है।
पेशेंट का काम कर रहे हो ना, तो पेशेंट को आपने कहना कि हेड मेरी तरफ टिल्ट करे, ठीक है, ताकि आपको ये सरफेस पूरा नज़र आ जाए। क्या मार्जिन हो गई है, ठीक है, बाकी कटिंग हम जब इसको फिनिश करेंगे तो इसको अभी रफ है तो उसको फिर वो करेंगे, ठीक है। अभी आपने इसके बाद क्या करना है सर? एक्सियल कटिंग सर, ये यहाँ से दरमियान से नीचे और साइड से ज़्यादा ऊपर नहीं, इसको लेवल पे करें, कोई मसला नहीं। शेफर मार्जिन के लिए जो बरीज होता है इसको कहते हैं ISO 21, ठीक है, मानी की बर्ज है वो बहुत अच्छा, उसकी जो एंड है ना बिल्कुल टॉर्पिडो शेप बना होता है, शेफर शेप बना होते हैं। अभी इसके साथ मैं इसके शेफर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बन जाती है लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। वो बर ऐसा है कि आप उसको जब कटिंग कर रहे हैं ना तो साथ साथ वो शेफर बनाते जा रहे हैं, शोल्डर के लिए ये भी नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इसकी विड्थ है। इसमें आता है टी आर के नाम, ये टी एफ है ना, टी आर के आते हैं शोल्डर प्रिपरेशन में, ठीक है, इस तरह के आते हैं। बाकी सर वो नाइफ एज फेदर एज वो प्रिपेयर नाइफ एज और फेदर एज, नाइफ एज जो है आप लोग बनाते हो उसमें किस में? टिल्टेड टूथ में सर, टिल्टेड जो एग्जैक्टली और नाइफ एज बनाना वैसे नहीं चाहिए, टिल्टेड टूथ मैं खुद उसको प्रेफर नहीं करता, उसके बहुत डिसएडवांटेज है। नाइफ एज आप बनाते हो जब आपने वीनियर्स की प्रेप करनी होती है, ठीक है, वीनियर्स की जब आप प्रेप करते हो और उसको आप एडहेसिव रेजिन के साथ सीमेंट करते हो तो वो जो है वो उस एज के साथ फिर आप उसको ब्लेंड कर देते हो, ठीक है, वो वहाँ पे बनाते हैं। नाइफ एज वैसे नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। सर शोल्डर में जो मॉडिफिकेशन ऐसे मार्जिन ओवरऑल जो है एक ही लेवल पे होने चाहिए, ठीक है, तो ये मेरे से अभी रफ बन गया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रॉक्सिमल की तरफ। अब देखिए मैंने बकर और लेंगे दोनों साइड से मैंने ऐसे कटिंग किए कि स्मूथ मार्जिन दे जब ऐसे कोई डिस्कशन चल रही हो ना जी, या प्रोफेशनल डिस्कशन
हड्डी के दरमियान में क्या रह गया? सॉरी सर, वो इसको डेंटिनल वो चिप, मतलब वो जो एनिमल लिप, एनिमल लिप ठीक है, लेकिन वो अभी भी आपका कॉन्टेक्ट बोन बना रहा है। सर मैं देख सकता हूं? जी जी, फिर वो करते हैं ना प्रॉप डाल के। हां वैसे इसको एनिमल लिप का फिश टेरेमिन है ब्रो, टेरेमिन का तो टेरेमिन है, दैट्स मोर गुड साइड द एनिमल लिप लुक द ये एनिमल लिप है। अच्छा ये बन गया, ये जो एनिमल लिप है देखो यार सीखने का, और डीप ले दे तो ये ऊपर है थोड़ा सा। प्रॉप यूज़ कर सकते हैं सर क्या? हाँ प्रॉप यूज़ करो या इस तरह से ले, हो गया ना वो मार्जिन मेंटेन है, इंटैक्ट है, ठीक है मार्जिन। नमन ले करो मुझसे, है ना सर ये हुई नमन ले। सर जो इंटरपर्सनल के लिए जो तीन नीडल यूज करते हो तो यही है ना? अच्छा आप यहाँ से आप देखें कि आपको ऑक्लूजर सरफेस से जब आप उसको देख रहे हैं होल अराउंड आपको मार्जिन नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जी? कहीं से आपको रिट्रेट कर रहा है, कोई मार्जिन छुपा हुआ तो नहीं है? मतलब आप इसके इसके शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्या शेप है ये देखो सर, थोड़ा मार्जिन दिखे लिप ज़्यादा है, मार्जिन के लिप्स बने हुए हैं ना? हाँ वो हम फिनिशिंग जब हम करेंगे उसमें उसको रिमूव करेंगे, ठीक है सर? पहले तो इसी से थोड़ी बहुत फिनिशिंग करेंगे। हाँ थोड़ा इसी से करेंगे, जो ग्रॉस फिनिशिंग है उसी पर से करेंगे, जहाँ जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा रह गई है उसको हम करेंगे, फिर जो है उसको कंपोजिट पर से करेंगे। पर इसका टेपर तो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत टेपर है, ठीक है देखते हैं। पर तो फिनिशिंग ये भी यही जो मतलब जो तीन नीडल इसी से करेंगे यार, और किस तरह से ग्रॉस फिनिशिंग इसी से करेंगे? अच्छा, ग्रॉस फिनिशिंग। अच्छा ये मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ ग्रूव्स बने हुए रहते हैं ना, उसको आप फिनिश करो इसी से करो, क्योंकि अच्छा। उस पर टाइम लगता है, फिर जो है वो दूसरे बार से करो। ये जो लाइन एंगल होता है ना, लाइन एंगल आपका राउंड होना चाहिए, एक वॉल के साथ दूसरे वॉल के साथ बिल्कुल ऐसे ब्लेंड करना चाहिए, ठीक है? शार्प एंगल नहीं बनना चाहिए। वो क्यों? जब आप इसके ऊपर वैक्स पैटर्न बनाते हैं ना, और जब वैक्स पैटर्न को रिमूव करते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ठीक है? और जब आप इसके ऊपर क्राउन बनाते हो ना, तो क्राउन उस जगह पे वीक होता है, ठीक है? फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी कटिंग तो मतलब जल्दी जल्दी हो रही है, उसकी इतनी जल्दी नहीं होती है ना?
मैं पूछ रही हूँ, नहीं होती ना ठीक है सर, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। उसमें टाइम जो है वो सिर्फ पेशेंट कभी मुंह बंद कर रहा होता है, कभी खोल रहा होता है, कभी उसकी जबान आ रही होती है। अगर आपका बर अच्छा हो ना उससे पे कटिंग अच्छी होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। सर यही वाला फोन? नहीं नहीं, ये 12 जो आपने खोला था किधर गया? ये है ना जी? नहीं, नहीं। ये नहीं उसके साथ। ग्रॉस फिनिशिंग इसी से करें। फाइनल फिनिशिंग करने से पहले आपने उसको क्या करना है, एक दफ़ा इसका वो चेक करना है ठीक है कि रिडक्शन आपकी क्लोजिंग सफिशेंट है या नहीं है। एक तो आपने डेप्थ जितनी आपने बनाई है आपकी आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डेप्थ बनाते हो। डेप्थ को सारे को रिमूव करो, इसका मतलब है कि सफिशेंट रिडक्शन आपने कर ली। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रेप करने से पहले एक पट्टी इंडेक्स बनाओ, अंदर से आप गैप है पट्टी इंडेक्स बनाओ, फिर आप जो है वो कटिंग करो, फिर पट्टी इंडेक्स उसके बार बार उसके ऊपर रखो और प्रॉप के साथ उसको चेक करो जितनी आपको रिडक्शन चाहिए उतनी हुई या नहीं हुई ठीक है। और एक तरीका और भी है कि आप उसका एक वो ले लो, एक आपने पहले से मॉडल लिया हुआ इंप्रेशन है, एक दूसरा बाद में मॉडल वैक्स से भी तो लेते हैं ना, दरअसल कंपेयर कर जी वैक्स से भी तो देखते हैं वैक्स सर इसको दबा के पकड़े थे। हाँ अब देखिए ऑलमोस्ट 1 mm जो है 1.5 mm तक रिडक्शन हमें मिल गई है और टोटल रिडक्शन देख रहे हैं जी। आपने लिंगुअल साइड से भी देखना है और जरबी से भी देखना है ठीक है, आपको लिंगुअल कस्प भी नज़र आ रहे हैं इसके थ्रू ठीक है। और सर एक तरीका ये है, दूसरा जो है इन्होंने बताया जैसे आप वैक्स ठीक है, वैक्स की क्या डायमेंशन होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है सर? आपने वैक्स क्यों बताया सर? वो जो पहले वैक्स से वो वाइट करवा के फिर सर वो जो गेज आते हैं वो गेज से फिर हम मेजर करते हैं। एक ये बात ये एक, एक एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आपके पास ये जो मॉडलिंग बैग्स आते हैं ना इसकी थिकनेस नोन होती है, 1.4 mm इसकी थिकनेस है ठीक है, जो अच्छे वैक्स है जो आम लोकल नहीं हो, ज़रा अच्छे वैक्स हो ना वो जो ज़रा पिंक किस्म के आते हैं इंग्लिश वैक्स वो अच्छी है, उसकी 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 मेंशन भी होती है डायमेंशन 1.4 mm उसकी थिकनेस है ठीक है। आपको रिडक्शन भी चाहिए 1.5 ठीक है, जब आप उसको पेशेंट को आप करवाते हैं या अक्रूड करें उसमें अगर ट्रेसिस ऑफ कस्प उसमें आ गए ना उसका मतलब है सफिशेंट है आपकी रिडक्शन ठीक है। या फिर अगर आपको वैक्स की थिकनेस का नहीं पता कितनी थिकनेस है तो आप गेज यूज करें ठीक है। उसके अलावा एक्सरे भी लेते हैं ना सर, वो रख के सर अक्रूड करवा के एक्सरे जो बताओ मुझे नहीं पता है तरीका सर, उसको मुझे भी कर एग्जैक्ट वो नहीं है सर जो वही वैक्स की तरह नहीं वो तो लेते हैं लेकिन सर उसके ऊपर कुछ रख के सर वो जो पुट्टी इलास्टोमर है उससे तो भी करते हैं सर पुट्टी इंडेक्स पुट्टी इंडेक्स करते हैं। चलो अभी इसकी फिनिशिंग कौन करेगा, कौन करके दिखाएगा मुझे? आप करें सर, करें सर। अच्छा सर कौन सा वाला बर्गर यूज करेंगे? ये
कंपोजिट बर आपने ना थोड़ा सा स्लो स्पीड के साथ चलाना होता है, हाई स्पीड के साथ। चलो जी ये लो, जब आप की फिनिशिंग कर लो ना तो आपने इसको एवेलुएट कैसे करना है? वो प्रॉब उठा के प्रॉब वो करें जिसमें कहीं पे डिश तो नहीं है जी, कहीं पे डिश तो नहीं है, ठीक है वो करना है। और आपने फिर मार्जिन दोबारा एवेलुएट करना है कि आपको सारे मार्जिन नज़र आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। और इधर से आपने एक मिरर रखना होता है, ठीक है, पेशेंट के पक्का सर्कस में। फिर आप प्रॉक्सिमल सरफेसेस को देखते हो, कोई अंडरकट वगैरह तो नहीं है, कोई ओवर टेपरिंग तो नहीं हो गई, ठीक है, पैरेललिज्म है या नहीं है। एक आपने वॉल ऐसे बनाया, दूसरा आपने ऐसे बनाया है, तो आपने इसको पैरेलल करना है। वो आप जब मिरर देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। और सर वॉल जो है सर 6 डिग्री पैरेलल होनी चाहिए। 6 डिग्री तो स्टैंडर्ड है, 6 to 10 आपके ये जुबार है ना, ठीक है, ये भी 6 डिग्री टेपर के हिसाब से 5 to 6 डिग्री बस वो मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि रेंज दी गई है ना कि आप 10 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री भी अचीव कर लो, बहुत बड़ी बात है। आप कोशिश करो, पेशेंट से करो, ठीक है सर, इधर पेशेंट तो नहीं है, टाइपोडर्ट तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए प्रैक्टिस के लिए पेशेंट लेके आओ, इधर ही करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसमें जो तुम्हें सर, इसमें जो ब्लू वाला था, ये जो कोड वाला ब्लू वाला, ये तो हम जो ग्रास कटिंग के लिए करते थे, ये लो रेड और वाइट, ये लो रेड फिनिशिंग के, अच्छा अच्छा मतलब ये जो हमारे साथ TR14 ये फिनिशिंग है, TR14 फिनिशिंग सही है, द येलो द TR14 द फिनिशिंग टीम او دا فینیشنگ کا دے دا فینیشنگ او او دا بلو گرین سکم دی دا سدی کٹنگ والا دے دا میں کوٹ سدی بلو ٹھیک دا کٹنگ والا ہاں
دایو سدی دا شولڈر دے ہاں ہاں اوغا شمفر دے ہاں جی ڈاکٹر کہیں کو دے دی